हेलो फ्रेंड्स, मैं संपदा कुलकर्णी आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल टेक टॉक्स में। इस वीडियो सीरीज में हम देख रहे हैं बाइनरी सर्च ट्री, जिसमें से अब तक मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है इंट्रोडक्शन, रिप्रेजेंटेशन एंड ऑपरेशन, टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस जो कि हम बाइनरी सर्च ट्री पे परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है अल्गोरिदम ऑफ क्रिएट एंड इंसर्ट नोड इन अ बाइनरी सर्च ट्री। उसके बाद सेकेंड पार्ट में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है सॉल्व फर्स्ट एग्जाम्पल, और इस करंट वीडियो में मैं सेकेंड सॉल्व एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर रही हूँ। उसके बाद ये सीरीज में हम कंटिन्यू करने वाले हैं सर्च ऑपरेशन, डिलीशन ऑपरेशन एंड डिस्प्ले ऑपरेशन, और वो क्या होते हैं, ट्रैवर्सल ऑपरेशन। तो कंटेंट को जाने से पहले मैं सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल रिंगिंग रखिए। तो ये हो गए बाइनरी सर्च ट्री के कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें फॉलो करनी है इंसर्शन ऑफ एनी नोड करने के लिए। प्रॉपर्टी क्या होती है, जो कोई हर एक नोड जो लेफ्ट सब ट्री में प्रेजेंट होता है वो लेस देन होता है वैल्यू ऑफ करंट रूट नोड से, और जो राइट सब ट्री में होते हैं उनका वैल्यू जो होता है वो राइट सब ट्री में होता है, इसलिए वो बड़ा होता है रूट नोड की वैल्यू से और पैरेंट नोड की वैल्यू से। और अदरवाइज सिंगल नोड का हम देखा जाए तो पैरेंट नोड से उसके लेफ्ट चाइल्ड का वैल्यू लेस होता है और उसके राइट चाइल्ड का वैल्यू पैरेंट नोड से ग्रेटर होता है। तो यहाँ पे इंसर्शन ऑपरेशन पे हम फोकस कर रहे हैं। तो इंसर्शन ऑपरेशन का यहाँ पे मैं स्टेप्स आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ वंस मोर टाइम, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हमें प्रॉपर पोजीशन लोकेशन फाइंड आउट करना होता है, उसके लिए हमें ये एल्गोरिदम फॉलो करना है। रूट नोड से स्टार्ट करने के बाद हमें वो की जो हमें इंसर्ट करनी है वो कि हमें रूट नोड की वैल्यू से कंपेयर करनी है। अगर वो लेस है देन रूट नोड तो हमें लेफ्ट सब ट्री में मूव होना है और उसमें प्रॉपर लोकेशन सर्च करना है। और अगर रूट नोड से वो की वैल्यू लेस नहीं है, मतलब कि वो ग्रेटर है, तो ग्रेटर है इसका मतलब हमें राइट सब ट्री में जाना है और हमें वहां पे उसका प्रॉपर पोजीशन सर्च करना है। ये सारी स्टेप्स हमें रिपीटेडली परफॉर्म करनी है जब तक हमें प्रॉपर पोजीशन मिल नहीं जाती। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व सेकंड एग्जाम्पल। मैं यहाँ पे डिटेल में फर्स्ट एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, यह अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज आई विल रिक्वेस्ट यू टू गो टू द फर्स्ट वीडियो, फर्स्ट सॉल्व एग्जाम्पल, और फिर ये वाला वीडियो आप रिज्यूम कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेकंड एग्जाम्पल। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया है कि कैसे इंसर्ट किया जाता है। डिटेल के लिए आप प्रीवियस वीडियो गो थ्रू कर सकते हो। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट देना ना भूलिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए, और अगर कुछ क्वेरी है तो वो भी कमेंट में पोस्ट करना ना भूलिए। यहाँ पे मैं सब्सक्रिप्शन लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, तो ज़रूर ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। यहाँ पे मैं आपको शॉर्टकट लिंक दे रही हूँ इसके नेक्स्ट वीडियो का, इस सीरीज का, और पूरा वीडियो सीरीज में यहाँ पे प्लेलिस्ट के फॉर्म में भी प्रोवाइड कर रही हूँ।
तो थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ट्यून विद माय चैनल टेक टॉक्स। हैप्पी लर्निंग, हैप्पी डेटा स्ट्रक्चरिंग। थैंक यू।